हेलो सर, गुड इवनिंग। यस, ग्रेट इवनिंग, ग्रेट और इवनिंग। सबसे नमस्कार। पहले थैंक यू सो मच। और मेरी माँ की ना बहुत इच्छा थी कि मैं कोई ना कोई गर्भ संस्कार का क्लास ज्वाइन करूं, बट कोविड की वजह से वो भी डर रही थी। बट जब मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया तो वो बहुत खुश हो गई और आज उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। जैसा गीतांजलि मैम ने बताया, मेरी भी 9th मंथ में ही डिलीवरी हो गई थी, बिकॉज बीपी मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो जैसे ही मुझे 9th मंथ स्टार्ट हुआ, मेरा सी सेक्शन प्लान किया इमिडिएटली उसी दिन, और मुझे बेटी हुई। और उसका भी वेट कम था, उसे भी NICU में रखा था 15 डेज के लिए। और वो इतनी एक्टिव थी NICU में भी कि वहाँ के सिस्टर्स मुझे बोलते थे कि आपकी बेबी बहुत एक्टिव है। उनका जो बेड था उसको वो हाथ पैर मारती थी और जोर से चिल्लाती थी बहुत। अगर भूख लगी उसको तो जोर से रोती थी। तो तब से वो बहुत एक्टिव है और आज उसका वेट गेन प्रॉपरली हो चुका है। अभी वो बहुत हेल्दी वाह, है ग्रेट। और जब भी उसको ओमकार सुनाती हूँ मैं तो वो बहुत स्माइल करती है, बहुत। तो थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मेरी बेबी इतनी एक्टिव है। मुझे बीपी का इशू हुआ था फिर भी वो इतनी एक्टिव है, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, रियली थैंक यू वेरी मच।